नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, अपने अपने माता पिता की जय जयकार। सर्वप्रथम आज जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जो साधु संत हैं, जो महात्मा समाज है, महात्मा लोगों का, आप सभी लोगों को मेरा आपके सिर चरणों में प्रणाम। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। प्यारे दर्शकों, कुछ चीजें होती हैं कि ना चाह के भी बनाना पड़ता है, क्योंकि आवश्यकता आज के दौर में है, जरूरत है आज के दौर में। अगर हम इस विषय पे सोचेंगे कि इसका कहीं कोई दुरुपयोग ना करे, तो ये चीज फिर पब्लिक प्लेस पे आएगी नहीं, पब्लिक के सामने आएगी नहीं, लोग इसका महत्व नहीं जानेंगे, धीरे धीरे विद्याएं लुप्त हो जाएंगी जैसे पहले होते आए। प्राचीन काल में बहुत सारे साधक, उपासक, आमिल, कामिल सब हुए। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है रुदौली। रुदौली से लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर मवई एक जगह पड़ती है। वहां पर मार्केट है छोटी, एक मलंग बाबा, मस्त मलंग उनको लोग बोलते थे, मलंग हिंदू भाई मौजी बाबा कह देते थे। वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे, किसी से कुछ लेते नहीं थे, मैले कुचैले कपड़े पहने बीच सड़क पर बैठे रहते थे, पटरियों पे कभी किनारे बैठे रहते, लोग आते थे उनको चाय बिस्किट कंबल ये दे दिया करते थे। जिसका ले लिए तो उसका कल्याण ही हो जाता था, जिसका ले लिए तो फेंक देते थे। तो उनकी सेवा करने वाले एक हमारे मुस्तकीम नाम का एक व्यक्ति, जो कि हिंदू मुस्लिम इन चीज का भेदभाव नहीं रखता था, मानवता का रखता था, सभी धर्म त्योहार में जाते थे, सभी सामने मंदिर पड़ गया प्रणाम, गुरुद्वारा पड़ गया प्रणाम, जो भी इज्जत करना। ये पहले की बात बता रहा हूं, आज का तो एकदम सिस्टम ही बदल गया, आज ऐसे लोग नहीं है, विश्वास करना भी कठिन हो रहा है। ये वीडियो किसी समुदाय, किसी विशेष व्यक्ति की प्रशंसा करना या उसकी तारीफ करना या बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि पहले के लोगों में जो सोच थी, लोग किस भाव से रहते थे, इस विषय पर है। एजुकेशन किसी जाति का या किसी धर्म का विशेष नहीं है। जो भी व्यक्ति, जो भी जाति, जो भी धर्म जितनी मेहनत कर ले जाएगा, जितना अच्छा एजुकेशन ले लेगा, वो उसी का होगा। इसी तरीके तंत्र मंत्र यंत्र विद्याएं भी होती थी। आज भी हमारे पास बहुत सारे मुस्लिम ऐसे लोग हैं जो साधनाएं सीख रहे हैं, ऑलरेडी साधक हैं काली माँ के। वैसे हिंदू भी हैं जो मुस्लिम अमल कर रखे हैं, लेकिन मैं पेवर सनातनी हूं, मैं सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए और अपनी जो प्राचीन विद्याएं उनके लिए काम करता हूं। तो मुस्तकीम जी ने हमारे बाबा जी को ये अमल बताया था, जिसको बोलते जिन्नाती शुरमा, ये मुश्क का बनता है। तो ये बहुत बड़ी पावर चीज है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। इसके फायदे क्या हैं कि आपके घर में अगर किसी से पटती नहीं, आप व्यक्ति विशेष से, तो उसका नाम लेकर सुबह नहाने के साथ
आप आंखों में लगा लीजिए और लगाने के बाद ठीक उस व्यक्ति के सामने एक दो बार जाइए, वो टक्कर यानी आंखों का टक्कर हो, आई कांटेक्ट होना चाहिए। 3 बार कांटेक्ट होने के बाद चौथी बार में उसको फटाफट धुल दो। वो व्यक्ति आपके सम्मोहन प्रभाव में आ जाएगा और पूरी जिंदगी रहेगा। ध्यान रखिए, कभी भी आपको अपमानित नहीं करेगा, कभी आपको जलील नहीं करेगा, आपसे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। इसी तरीके प्रयोग आप अपनी पत्नी, पति पर, बेटे पे, बॉस पे, मालिक पर कर सकते हैं। दुकानदारों के लिए अलग तरीके हो जाएगा इसका प्रयोग। अगर आप दुकान पर बैठते हैं प्रातः काल, अपनी दुकान खोलिए, दुकान खोलने के बाद आप दुकान की मुख्य चौखट पर खड़े होकर पश्चिम की तरफ मुंह करके इस सुरमे को लगा लेना है। जब भी कोई ग्राहक आए कोई चीज लेने, तो 3 बार सांस अंदर खींचना, जैसे हाँ क्या लेना भाई साहब आपको, अच्छा ये चाहिए, ऐसे 3 बार खींच लेना। चौथी बार वो आपकी दुकान से हटेगा ही नहीं, लेके जाएगा। ये एक इस्लामिक सुरमा है और कैसे बनाया जाता मैं बता रहा हूँ, लेकिन फायदे में साथ साथ बता रहा हूँ। कोई चला गया है, रूठ गया, नहीं आ रहा है, तो उसके लिए प्रयोग करना, क्योंकि इसमें फेस का बड़ा महत्व है, आपको आई कांटेक्ट करना। वो चाहे मुकदमे में जा रहे हैं, दोनों तलाक है, एक दो डेट पड़ी है, ये सुरमा लगा के जाइए, वो पति हो या पत्नी हो, और जब किसी को देखें जो अपने, जैसे पत्नी डिवोर्स मांग रही, मुकदमे पाई, तो पति लगा के जाए, जब भी पत्नी से आई कांटेक्ट हो तो 3 बार सांस ऐसे कर लेना है, फिर तमाशा देखना। ऐसे अगर आपके पति आए हैं तो उनको भी कर लेना, कहने मतलब किसी से आई कांटेक्ट नहीं, 3 बार सांस खींच लीजिए। तो ये बनाया कैसे जाता है, मुस्क जिन्नाती शुरमा। हिरण की कई प्रजातियां होती हैं, ध्यान से सुनना, जिसमें एक होता है चीतल। कौन होता है? चीतल। चीतल के अंदर छोटा होता है, दाग पड़े रहते हैं। जानवर मारना या उनका उत्पीड़न करना एक दंडनीय अपराध है, ये हमारे पर्यावरण के रक्षा के, इन पे ध्यान दें, ये निवेदन है। तो मृग फैमिली यानी हिरण का जो परिवार है उससे ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं। इसके अंदर जब मादा होती है, जब ये अपने गर्भ धारण करती है पहली बार, पहला गर्भ कहते ना कि ये शादी हुई, पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा, तीसरा, पहली बार जब ये गर्भ धारण करती है, ध्यान रखना, जिस प्रकार नर मृग के नाभि पर ये कस्तूरी होता, जिसको मुश्क बोल देते हैं लोग उर्दू में, उसी प्रकार मादा के, ध्यान से सुनना, सेम उसी प्रकार मादा के भी नाभि के पास छोटी छोटी तीन जैसे चने के दाने, नहीं तो इस प्रकार से मुश्क आ जाता है। वो बड़ा कड़ा रहता है, अंदर चुभता है, तो मादा उसको चाटती रहती है। जब अपना खुद लेट के उसको चाटती है तो अंदर जो गर्भ रहता है, जो गर्भ बच्चा रहता है हिरण का, उसको भी थोड़ा सा प्रेशर होता तो वो ऐसे ऐसे डोलता है, उछलता है अंदर। अंततः जब ये प्रसव काल में आती है, तब ये मुस्क जहां पे हिरण अपना बच्चा चीतल देती है, उसी जगह ये भी टूटकर गिर जाता है। इसको पहचानते कैसे लोग, जंगली लोग? जब ये गिरता है तो इसकी गंध, जैसे पका बेल, बेल नहीं तो खाते हैं शरबत वगैरह बनता, पका बेल की खुशबू आती है, इस तरीके पके बेल की तरीके बहुत भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू दूर तक जाती है। तो लोग ढूंढते ढूंढते इससे तक पहुंच जाते हैं, और जितने नजदीक पहुंचेंगे उतनी तेज खुशबू होती है आसानी से, चूंकि ब्राउन कलर की रूमेदार होती पहचानने में आ जाती है। तो इसको लेना है, लेने के साथ इसको लाना है, लाने क्या करना है, हकीक का एक छोटा सा प्याला लेना है, लाल हकीक का प्याला, उसमें इसको रखना और शुरमा कलई लाना है, पंसारी के यहाँ से दोनों को रख के घोट कर एक बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद जहाँ ताजिया दफन की जाती हैं उसे बोलते हैं कलबला। कलबला में जाना है, ये जुम्मे को जाना है, और वहाँ पर इस पर एक सीसी में उल्टा दफन करके इसके ऊपर सफ़ेद रुमाल, एक पाव बर्फी, साफ शुद्ध केवड़े की एक बोतल, एक इतर की सीसी,
पांच गुलाब के फूल उसके ऊपर रखकर और थोड़ा सा कोयला जला लेना और लोहबान का बखूर, बखूर जिसे हम लोग कहते हैं होम देना, वैसे उर्दू में बोलते हैं बखूर देना, बखूर देना है। ठीक है, अव्वल आखिरी दुरूद पढ़ना है, उसके बाद बखूर देना है किस चीज का, लोहबान का। इसके लिए कौन सा वो पढ़ा जाएगा अमल बता देते हैं आप सभी लोगों को, ध्यान रखिए सूरह यासीन में नौ जगह मुबीनो है, जब शुरू से पढ़ेंगे तो पहला मुबीनो आए फिर लौटाओ, दूसरा मुबीनो आए फिर लौटाओ, इस तरीके से जो हमारे सात जगह मुबीनो आने पे सात मरतबा पढ़ के आप उस पर हवन दे दें, जिसे बकूर दे दें। उसके बाद जब ये शीतल हो जाए आग, तब वहाँ पे फातिया गौसुल आजम दस्तगीर के नाम से दे दें। उसके बाद इस चीज़ को रुमाल हटाइए, अंदर से वो सुरमा ले आइए, वो सुरमा आपको जो हल्का ब्राउन था ये एकदम ब्लैक मिलेगा, तेज खुशबूदार मिलेगा। इसी सुरमे को आपको जिस तरीके बताया हूँ लगाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसका हम सिर्फ यही चाहेंगे कि लाइक आप दबा के कर दीजिए, अपने प्रियजनों के बीच शेयर कर दीजिए। देखिए होता क्या है, आजकल यूट्यूब पे बहुत बाबा भरे पड़े हैं, बहुत, अब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है, किस पर एतबार करें किस पर ना करें। तो मेरा निवेदन है कि हर एक वीडियो के उपायों को, हर एक चीज़ को एक बार आजमाइए, जिसका आपको अच्छा रिजल्ट मिले उसी के साथ रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस सुरमा संबंधित कोई जानकारी चाहिए, उसका नंबर है 74-97-98-28-80 और 1-911-803-6409। इस पर कॉल कर सकते हैं, या कुछ लोग अगर इसको हमसे मंगवाना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है मेरी नहीं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8726153903। इस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, हम बाई कोरियर स्पीड पोस्ट से आप तक पहुंचा देते हैं। ध्यान रहे, जब आप ये मंगाएंगे तो आप अपना नाम, अपनी माता का नाम जरूर देना है, क्योंकि आपके नाम से ही एक्टिवेट होके जाएगा, आप ही प्रयोग कर सकते हैं, वो दूसरे को नहीं दे सकते, ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये तीनों नंबर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। हर हर महा।